Narendra Modi ji, I don't think that he has concentrated all over India, like not evenly. I don't think that he is a worst leader. He didn't do anything at all, but he was not up to that level. Finance minister ke bare mein jante hain? Nirmala ji na, knowledge what she has. So knowledge on finance or tax, what does she implements? Hamare pradhanmantri hai Narendra Modi. Unki party BJP prachar kar rahi hai election jeetne ke liye. Personally, main ko vishwas koi par nahi hai. Ab aapki nazar mein Shah Rukh Khan best ki Salman Khan? SRK na solo hai. Agar Shah Rukh ke aap itne bade fan hai, to main ek cheez zarur keh sakta कि आपको उनका कोई एक डायलॉग याद होगा एला पोस्टर लिया और इंट्रोडक्शन बताना इन अंदर हो रहा है सिंपली जोड़ो ये शाहरुख का ये सिग्नेचर पोज है आप इस तरह से ये तो आप उनके फैन हो कि उनकी तौहीन कर रहे हैं आपको यहां आगे एक सिग्नेचर पोज देना पड़ेगा हां बिल्कुल वन सिग्नेचर पोज और पोज इधर से और पानी का नमस्ते दोस्तों द लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा की टीम पहुंच चुकी है तमिलनाडु और हम इस वक्त तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हैं। चुनाव यात्रा की शुरुआत हमने अपनी की है इस डीजी वैष्णव कॉलेज से। यहाँ पर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे पेपर दे रहे हैं। हमने अंदर जाकर कॉलेज के प्रशासन से शूट करने की इजाज़त मांगी, लेकिन एग्ज़ाम के वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे, स्टूडेंट तो हमको बाहर भी मिलेंगे, हम स्टूडेंट से बाहर बात करेंगे, उनसे तमिलनाडु की राजनीति, तमिलनाडु की फिल्म, तमिलनाडु के कल्चर के बारे में बात करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट से कि एग्ज़ाम देकर आए हैं, कैसा हुआ है एग्ज़ाम और वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। हमें कॉलेज के अंदर तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन डीजी वैष्णव कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स हमें कॉलेज के बाहर मिले जो शायद पेपर दे के आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में हमारी सहायता करने के लिए भास्कर जी हमारे साथ हैं, लल्लन टॉप के जबर फैन हैं और इसी कॉलेज के डीजी वैष्णव कॉलेज के पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं। तो इनसे हम तमिल में हिंदी में हम पूछेंगे स्टूडेंट से, ये तमिल में हमें उनकी बात सुनकर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। आइए, व्हाट्स योर नेम? मोनिका। मोनिका, किस चीज़ का पेपर था आपने, किस चीज़ का पेपर दिया आज, कैसा हुआ पेपर आपका? कास्ट का पेपर था, सो आज ओकेश लाइक मोनिका ने टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश की है, इनको इनकी तारीफ करनी चाहिए और फिर हम जानते हैं और पेपर कैसा गया और क्या हुआ। पेपर वाज ओके, लाइक इट वाज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन सम्स, ओनली इलस्ट्रेशन सम्स அதான் வந்தது, சோ நல்லாவே பண்ணோம் நாங்கலாம். Can I ask something? साल भर पढ़ाई की थी? नहीं, ये साल भर पढ़ाई जो नहीं करते हैं फिर पेपर में फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। मोनिका के क्या कह रही हैं? हाँ, लाइक ही इज आस्किंग हिम क्या पूछा था। अच्छा, आप तो इन्हीं से बात करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? अनंतन। अनंत, अनंत से ये पूछे कि पेपर इनका भी सेम सब्जेक्ट का था? ये सभी एक ही पेपर दे के आए हैं तो अलग अलग विचार सुनने को मिल जाएंगे। अच्छा, इनसे सब एक ही ग्रुप के हैं, तो जैसे मोनिका ने साल भर पढ़ाई नहीं की, ठीक है, तो क्या इन सब ने साल भर पढ़ाई नहीं की है? नहीं, वर्षों इन फुल्ला पढ़चिंगला इलना जस्ट ये मारी है दाना எதுவுமே படிக்காம சும்மா பேப்பர்ல போய் உட்காந்துட்டோம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்ததா? பசங்க எல்லாருமே பிஃபோர் டெ நைட் தான் படிப்பாங்க, பிஃபோர் டெ நைட் படிச்சு எழுதுறதா அப்படி அப்படி இருந்தாலும் மார்க் வரும். ஏக் செகண்ட், ये तमिल में इस तमिल को हिंदी में ट्रांसलेट करें, लेकिन मुझे एक चीज़ इसमें समझ में आ गई है, वन नाइट मतलब इन्होंने एक रात पहले पढ़ा है, तो पेपर गया कैसा? हाँ, ईसिया अंदर डिफिकल्टी है, इधर वर्ष फुला पड़ी इन ईसिया बट इप्ली पड़ता ईसिया पेपर रोम ईसिया। ओके, पेपर वॉस बिट ईसियर, if we have studied for the entire year means it will be much more easier than this, but it's our unfortunate that we didn't focus on studies on the full span, so it was a little bit tougher. साल भर पढ़ाई कर ले तो लिटिल बिट ये टफ नहीं होता। अब हम इनसे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। बॉस, एक चीज़ बताना, ये तमिल में ट्रांसलेट करके इनको बताना, चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में, यू नो इलेक्शन पीरियड इज़ ऑन, सो व्हाट डू यू थिंक, विच वन पार्टी इज़ टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट्स?
Actually, I was least interested in politics, but as of my knowledge, I had heard that pracharam solvanga illaya. You can also in Tamil, carry on. Yeah, adha the pracharam solvanga illaya, adula vandu I have heard that DMK has offered some policies which have been useful for the middle class people or the lower middle class people. They told that they will offer LPG at a minimum subscription, like that they offer many more, like they will cancel unwanted toll booths around India or around Tamil Nadu in precise. Like that they gave many policies. If they told that it was our goal when we have to take a seat in central. So like that, I have very minimal knowledge, like I don't know much about politics. So this was my entire knowledge about politics. A glimpse is only my knowledge about in politics. Your favorite political leader? Not like that. Basically, I don't have interest in politics. I don't hear politics or I don't give focus on politics. So I don't have any much specific favorite political leader or political party like that. But according to my knowledge or which I have learned in my schools or basically in newspapers or my in general knowledge, I came to know that Kamarajar was a good political leader, and they will say that Nehru have introduced many schemes, Indira Gandhi have introduced many schemes like that, but I don't have I don't know vast about them, but about Kamarajar means I know a little bit that he was, till now he was spoken, I think he was died 8 years ago, but till now I can able to spoke about him means he should do something like that to make him speak about. And what about our Prime Minister Narendra Modi? Narendra Modi ji, he has offered many offerings to make India get a reach globally, but I don't think that he has concentrated all over India, like not evenly, like he has focused in some parts specifically like that, but I don't think that he is a worst leader, but I don't think that he is a worst leader, like he didn't do anything at all, he should not come as next PM like that. But according to me, he was not up to that level, like he will be get spoken for more 150 years like that. He will be spoken and he will known as a best prime minister currently, but he was a suitable prime minister for India currently, but I don't think so that he will be spoken in after his life also. Hum kuch aur students se bhi baat karenge, unki raaye janna chahenge. Monica, इनसे आप तमिल में ट्रांसलेट करके बात करें, आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है? मेरा तो कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल लाइक आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल. तो इस बार इलेक्शन है तो आप वोट किसको देंगे? कि वोट देंगी नहीं? वोट देंगी नहीं. क्यों? वोट तो देना आपका हक है. मेरा वोटर कार्ड नहीं है. वोटर कार्ड मतलब आप 18 के हो गए हो? हाँ. तो अभी वोटर कार्ड नहीं बना है, घर में बना है लोगों का? हाँ. तो बिल्कुल पॉलिटिकल कर ले. अच्छा, तो फिर फिल्मों में इंटरेस्ट तो होगा ही? हाँ, फिल्मों में इंटरेस्ट हूँ. कौन फेवरेट हीरो कौन है आपका? शाहरुख खान. शाहरुख खान का सबसे अच्छी मतलब जो मूवी आपको पसंद आई? लाइक पले मूवीज एल रोम पिड़ों. सो 90s एंड 2000 मूवीज, लाइक आई यूज टू लाइक बाजीगर मूवी, कुछ कुछ होता है एंड K3G. I used to like that movies a lot. What's your name? Girish, VK Girish. Girish se hum ye puchenge ki Girish ko political mein matlab rajneeti mein interest hai ki nahi hai, kya wo vote dete hain ki nahi? Please humko politics mein ek second yahan pe humko lag raha hai ki thoda malum hai hindi. I am 100% nahi malum hai, thoda malum hai hindi thoda malum hai. So ट्राई करूंगा हिंदी में. बिल्कुल आप ट्राई करिए.
श्योर सो मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम है बिकॉज सो ऐसे मैं हम तो स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में थोड़ा नॉलेज हम नहीं जानना चाहता हूँ बिकॉज तो पॉलिटिक्स में थोड़ा प्लस से माइनस से है सो हमको पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम ही तो मतलब अखबार वगैरह या न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ एक एक आदमी एक एक दिन बोलता है ना सो इसका ड्यूटी है वो बोलना का इसका ड्यूटी है हमको हम्बल ना हमें मेरा ड्यूटी है सो मैं उस तरह जाता हूँ। अच्छा अब पढ़ाई खत्म करने के बाद का क्या प्लान है आपका? मेरा नेक्स्ट मास्टर्स डिग्री करना है मास्टर्स इन फाइनेंस में करना है यूजी में फाइनेंस में करता हूँ बीकॉम अकाउंट्स और फाइनेंस सो एमबीए भी मैं फाइनेंस में करना मेरा प्लान है सो फिर फाइनेंस में और टैक्स में जीएसटी में थोड़ा मास्टर्स करके उस लाइन तरह जाना मैं प्लान कर प्लान है। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में जानते हैं आप? हाँ फाइनेंस में जाते हैं सो पर्सनली अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स मैं उसको मैं तो बड़ा फैन हूँ। so, इनका नाम निर्मला जी ना निर्मला जी मैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स मैं उसका फैन हूँ बिकॉज दैट knowledge what she has that maybe the knowledge speaks there so knowledge on finance or tax what does she implements and uska aage mera yeah मनमोहन सिंह था ना मनमोहन सिंह वो भी अच्छा नहीं, नहीं उनके जस्ट पहले अरुण जेटली जी थे मनमोहन जी तो काफ़ी पहले थे मैं बोल रहा हूँ 1990s में मनमोहन जी था उस तरह इंडिया में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला था सो उस मनमोहन जी ने उसका रिफॉर्म्स कर एलपीजी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर बढ़ाया था सो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स इन पार्ट ऑफ फाइनेंस मैं दोनों में मेरा पसंद। सवाल ये आता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी तमिलनाडु में खासा प्रचार कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है तो जो वादे वो कर रहे हैं या वो चीज़ें बता रहे हैं आपसे आप उनको देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं उन पर विश्वास करते हैं? पॉलिटिक्स सब कुछ सब लोग सब कुछ बोलता है बट विश्वास होना मैं पर्सनली मेरे को विश्वास कोई पर नहीं है और बीजेपी है कांग्रेस पर है बोलता नहीं और डीएमके एआईडीएमके पे कोई भी नहीं है विश्वास में तो ऐसा पर्सनल मैन मुझे विश्वास नहीं है तो वोट वोट देने का मन है ये तो अजीक दो वीक बार है ना उस टाइम देख लेगा। कल मोदी जी आ रहे हैं हाँ मालूम है ये सारा ये चेन्नई आ रहा है सो चेन्नई और अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु आ रहा है तो मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि मोदी जी आपसे अगर आप कुछ पूछते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए क्या मुद्दे हैं आपको क्या लगता है? स्टूडेंट्स के लिए सेम थिंग है ये एजुकेशन रिफॉर्म्स तो है ना एज पर अपडेट टेक्नोलॉजी अपडेट करना है सो सिंगल वर्क मेरे पास है सो एजुकेशन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट करना पड़ेगा। मैं पिछले साल से एक चीज़ सुनता आ रहा हूँ कि तमिलनाडु में जो हिंदी बोल रहे हैं या जो बिहार से मजदूर यूपी से मजदूर आ रहे हैं यहाँ काम करने डेली वेजेस का तो उन जो हिंदी बोलते हैं उनसे क्या नफरत करते हैं तमिलियंस? नफरत कोई भी नहीं करता है हमसे मैं को हिंदी थोड़ा थोड़ा बात करना मालूम। आपने हिंदी कहाँ से सीखी? मैं मेरा चाची जी एक स्कूल में हिंदी टीचर है उसका गांव वाराणसी है यूपी वाराणसी। क्या आपको ये पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो वाराणसी से ही मालूम है उसका यूपी में वादा सीट वो वहीं से सांसद है वाराणसी से ही मालूम है। अच्छा फिल्मों को लेकर क्या राय है आपकी? फिल्मों का में ये पसंद है वो पसंद है मैं पर्सनली उस तरह नहीं जाता हूँ मैं पर्सनली क्यों किस लिए मैं जाता हूँ मैं ईच एंड एवरी एक्ट्रेस वन थिंग सो अपने आप मैं को पर्सनली एक एक एक्टर से एक एक पॉजिटिव थिंग्स मैं लर्न करता हूँ सो बेसिकली माय पॉइंट फिल्म का एक टाइम पास है सो उस तरह में जाकर ये अच्छा है वो अच्छा है ये करना टाइम वेस्ट है ना सो ये टाइम वेस्ट लगता है। और क्या शौक है यहाँ के जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो जब हमारा खाली टाइम होता है जो हमारे साइड के लड़के हैं हमारी तरफ के तो हम लोग चाय की टपरी पे बैठते हैं गप्पे लड़ाते हैं घूमते हैं आप लोग क्या करते हैं?
हम तो अभी ये कहता है तो मैं मेरा दो दोस्त है, मैं दोस्त है तो भारत बाहर जाऊँगा चाय पीऊँगा और चाय तो समर है फ्रूट जूस पीऊँगा। सो सेम थिंग मैं भी करता हूँ उससे लाम वी आर यूथ बॉयस मेला एक सो यूथ बॉयस के क्या रखेगा वहाँ घूमूंगा एग्जाम एग्जाम देने मतलब भाई लॉन्ग कोई भी नहीं नहीं जाना टाइम है। सो लोकल में जूस शॉप और नियर बाई सिनेमा हॉल एक दो दो आर तीन आर में टाइम पास कर कर फिर घर जाऊंगा। थैंक यू। कुछ और स्टूडेंट्स भी आए हैं शायद वो इनके दोस्त ही हैं भास्कर, उनको उनसे बात करने में लगे हैं कि उनको तमिल आती है कि हिंदी आई, हम बात करके देखते हैं। अन्ना क्या नाम है आपका? इन्ना पेरुंगल। नंद कुमार। नंद कुमार क्या करते हैं आप? एम कॉम सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं। एम कॉम सेकेंड ईयर। आपको हिंदी आती है? हिंदी தெரியாதுங்க தோலி பௌத் என்னது கொஞ்சம் தெரியும் ஆனா ரொம்ப பேசிக்கா தான் தெரியும் பேசிக் தமிழ் தெரியும் உங்களுக்கு 1 2 3 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேசிக்கா தான் தெரியும் अच्छा அண்ணா एक बात बताना मैं इनसे जानना चाहता हूं आपसे कि फेवरेट हीरो कौन है आपका? उनका फेवरेट हीरो मैंने ये सुना है कि तमिल के जो यूथ है वो अभी भी रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन है, क्या ये सच है? तमिल यूथ வந்து இப்ப கூட ரஜினிகாந்த் ஒரு ஃபேன் ஆயிருக்காங்க। எனக்கு விஜய் பிடிக்கும், இல்லை தளபதி விஜய் அவங்கள பிடிக்கும். தளபதி விஜய் கே பகுத் படே ஃபேன் ஹே. அபி லேட்டஸ்ட் மூவி கவுன்சி தேக்கி ஆப்னே? லேட்டஸ்ட் மூவி என்னடா வந்து லாஸ்டா? லியோ. ஆ லியோ, ஆ லியோ தான் லாஸ்டா பார்த்தது. லியோ மே சஞ்சய் தத் பி தா, டு யூ நோ சஞ்சய் தத்? சஞ்சய் தத் கோ ஜானதே ஆப்? சஞ்சய் தத், சஞ்சய் தத். ஆ ஆமா ஆமா பார்த்திருக்கேன் சஞ்சய் தத். சஞ்சய் தத் கீ ஆர் கோய் மூவி தேக்கி ஆப்னே? ஏதாச்சும் மூவி பார்த்திருக்கீங்க? இல்ல இல்ல. பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது? லியோ அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ணதுல இருந்து அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேள்விப்பட்டது இல்ல. क्या बोल रहे? पहले इनको नहीं पता था संजय दत्त जी के बारे में, लेकिन अब जब लियो अनाउंस हुई थी तो उनके बारे में थोड़ा कुछ इन्होंने जाना। भास्कर हमारी लगातार मदद कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार। अच्छा चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन, तो कौन सी पार्टी आपको लग रही है कि तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? एक्चुअली நிறைய பண்றாங்க அந்த மீட்டிங் அண்ட் பீப்பிள்ஸ் வந்து பாக்குறதலாம். எந்த பார்ட்டி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நல்லா? உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இங்க ரொம்ப நல்லா ரீச்சா இருக்கு. இந்த பார்ட்டி கொஞ்சம் நல்லா வரலாம். एक्चुअली அதான் ஏடிஎம்கே வந்து ஓரளவு ஓகேவா இப்ப கொஞ்சம் டவுன் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஆனா டிஎம்கே ஆல்ரெடி இருக்குிறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் வந்து ஷோரியாக சொல்ல முடியாது, ஏன்னா பீப்புள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக திரும்பி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு அது ஆட்சி மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அது யா போல் பாய்ஜி ये बोल रहे हैं कि एडीएम के एक ज़माने में बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जब अम्मा जयललिता के जाने के बाद उनकी रीच थोड़ी कम हो गई है क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स में ही वो उलझे हुए हैं। अब डीएमके ने अपना थोड़ा वर्चस्व बढ़ाया है, तो इस वजह से डीएमके को मैं कहना चाहूँगा, इनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, उनके प्रेफरेंस रोज़ रोज़ बदलते हैं, सो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी तरफ से ये डीएमके का समर्थन कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी भी बहुत दमखम लगा रही है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं मोदी जी, तो क्या लगता है बीजेपी को सीट निकाल पाएगी? बीजेपी कूड़े इंगे वंदिट्टु इरुकांगा, नल्ला कोंजम कैंपेनिंग पण्णिट्टु इरुकांगा, नाळिक्कु मोदी जी कूड वरांगा, नींगा एन्ना निनैक्किरींगा बीजेपी इंद वट्टी कोंजम सीट एडुक्क मुडियुमा? एन्ना पोन वट्टी ओरु सीट दान एडुत्तांगा, 39 सीट्ल इरुंदु ओरु सीट दान वंदुदु, सो इंद वट्टी एन्ना उंगलुक्कु तेरियुदु इंद वट्टी कोंजम एडुक्क मुडियुम इल्ला कोंजम इन्नुम कम्मी आयिडुच्चु? उंगा एन्ना வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கரெக்டாக சொல்லிட முடியாது, ஏன்னா என்னதான் போன வாட்டியும் இது பண்ணியிருந்தாலுமே போன வாட்டி ஒரு சீட் எடுத்ததாக சொன்னாங்க, ஆனால் எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது அவங்க ஒரு சீட் எடுத்தாங்கன்னு. பட் ஆனால் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி அதை விட அதிகமாகவும் எடுக்கலாம் கம்மியாகவும் எடுக்கலாம், அது பீப்புளோட இது வந்து திங்கிங் மாற மாற அது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிடும். ஸோ கரெக்டாக சொல்ல முடியாது, என்னோட இது வந்து மேபி சம் இம்பேக்டை வந்து கொடுப்பாங்க பிஜேபி வந்து இன் ஓட்டிங்கில் அப்படின்றது மட்டும் சொல்ல முடியும். அதனால் ये कह रहे हैं कि इनको पता नहीं था कि पिछले साल पिछले चुनाव में बीजेपी को एक सीट यहाँ पे मिली थी, तो इनको तो इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि माहौल को देखकर इस बार कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है, कुछ अलग एक फैक्टर बीजेपी एक्स फैक्टर यहाँ पे ला सकती है इनके हिसाब से। किस तरह का एक्स फैक्टर होगा वो? इम्पैक्ट कौन वर्दे इम्पैक्ट कौन कौन वरला बीजेपी येन्ना इम्पैक्ट आ कौन वरला अंदर मरिया? एक्चुअली इम्पैक्ट इन रहना ना सोल रहना इप्पे इंग अंदर कोयल कटना द बत्ती नरिया न्यूज़ इसला वंदे तमिल लियो पाकार मिचांगा अंड इप्पे वंदे रिविजिट ला नरिया पनीर कांगा ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கும் வந்து மோடிஜியை பற்றியும் அண்ட் பிஜேபியை பற்றினா ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து நல்லாவே க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அது வந்து இப்போ வர எலெக்ஷனில் மேபி நல்லா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மோடி ஜி அபி பத் அச்சா யாப்பே காம் கர ரே தீரே தீரே யாப்பே ஆ பி ரே ஹே பார் பார் இன்டராக்ஷன் பி பத் அச்சா ஹோ ரா ஹே லேக்கின் யே குச் ஜாதா நீ கே பாயேங்கே க்யோங்கி இன்கோ பாலிடிக்ஸ் மே இத்னா ஜாதா பதா நீ ஹே.
चलिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे एक सामने एक बोर्ड दिख रहा है, मैं अमितेश भाई से दिखाऊँ कहना चाहूँगा कि वो एक जिम का एक बोर्ड है, उसमें एक फिटनेस मॉडल है कुछ, तो फिटनेस को लेकर क्या सोचते हैं आप? तमिलनाडु का यूथ क्या सोचता है कि आप जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी? அவங்க வந்து கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக கேட்கணும்னு இருக்காங்க. ஜிம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் ஜிம் போகிறீங்களா? யூத் ஜிம் போதா? ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி நானுமே வந்து இன்ன எம்காம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் நானுமே ஜிம் போயிட்டுருந்தேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லைஃப் டைமோட கொஞ்சம் கரெக்டாக இரிலவெண்ட்டாக இருந்ததுனால அதை வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பட் ஜிம் போகிறது நல்லது தான், கொஞ்சம் பாடி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறது அண்டு பாடி மட்டும் இல்லை அது இது பண்ணுறதுனால யோகா அண்ட் மெடிடேஷன்லாம் ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்துமே நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறதுலாம் நல்லது தான். क्या कहा भाई? ये बोल रहे हैं पहले ये जाया करते थे लेकिन पढ़ाई के चलते और ज़िंदगी के भाग दौड़ के चलते ये थोड़ा सा उससे कोप अप नहीं कर पाए, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि यूथ को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे फिजिकल फिटनेस तो बढ़ती है साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. तो ये कहना चाह रहे हैं. सलमान खान के फ़ैन भी होंगे फिर आप? सलमान खान तेरियो, शाहरुख खान आना इन्होंने, इट्स शाहरुख खान के सबसे मतलब आपकी नज़र में शाहरुख खान बेस्ट कि सलमान खान? Who is the best? ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களோட ஒப்பீனியன், அதனால் வந்து எஸ்ஆர்கே நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் அவங்களோட மூவிஸ்லாம் இப்போ நிறைய பார்த்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபேவரெட் அதில் ஆட் ஆகிட்ருக்காரு அவர். இன்கேலியே எஸ்ஆர்கே யே போலேங்க கி லோகோ கா மத் ஹே அப்னா அப்னா லேக்கின் மேரா மத் எஸ்ஆர்கே சாப்கோ ஜாத்தா ஹே க்யோங்கி உன்கே காம் தோடே அச்சே ஹே ஆர் அபி உன்கி மூவிஸ் பி தோடி பஹுத் அச்சி சல் ரஹி ஹே. வோ புரானே நஹீ திக் ரஹே ஹே, வோ ஆஜ் பி ரிலெவெண்ட் திக் ரஹே ஹே இன்கே ஹிசாப் சே. சல்மான் கான் ரிலெவெண்ட் நஹீ திக்தே ஹே? யா இருக்காங்க, இந்த டைகர் மூவிஸ்லலாம் கூட பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் அவர் அட்ராக்ட் ஆன அளவு, ஐ மீன் அவர் என்ன அட்ராக்ட் பண்ண அளவு சல்மான் கான் வந்து என்ன இன்னும் அட்ராக்ட் பண்ணல. பட் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கலாம். அது ஒரு இன்கா மானா கி எஸ்ஆர்கே இன்கோ ஜாதா கனெக்ட் கரத்தே ஹே, கனெக்ட் எக் சஹி ஷப்த் ஹோகா, கனெக்ட் இன்கோ எஸ்ஆர்கே ஜாதா கரத்தே ஹே, சல்மான் கான் தோடா கம் கரத்தே ஹே. லேக்கின் யே யூத் அப்னே ஹிசாப் சே அப்னே பசந்த் கோ சேஞ்ச் கரத்தா ஹே. யே சல்மான் ஷாருக் யா சல்மான் கி மூவிஸ் ஆப் ஹிந்தி மே தேக்தே ஹே கி தமிழ் டப் உன்கா வர்ஷன் தேக்தே ஹே? தமிழ் டப் தான் பார்த்தது உண்டு மோஸ்ட்லி. அண்டு இப்போ வந்து எஸ்ஆர்கே இது வந்து இந்த அட்லி டைரக்ஷனில் ஜவான் டங்கி அந்த மாதிரி மூவிஸ் வந்து டப்பிங்கில் வந்ததுனால அது கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கறது போது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்குது. அகர் ஷாருக் கே ஆப் இத்தனை பட ஃபேன் ஹே தோ மே ஏக் சீஸ் ஜரூர் கே சக்தா ஹூன் கி ஆப்கோ உன்கா கோய் ஏக் டயலாக் யாத் ஹோகா யா கானா யாத் ஹோகா ஆப் ஹமே வோ கா கே பதாயியே யா சுனா கே. நீங்க ஏதாச்சும் அவங்களோட எஸ்ஆர்கேவோட ஸ்டெப் தான் ஞாபகம் வரும் எஸ்ஆர்கேனாலே. சிக்னேச்சர் எல்லா போஸ்டர்லேயும் அவரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சிம்பிள் இதோட ஏ ஷாருக் கா ஏ சிக்னேச்சர் போஸ் ஆப் இஸ் தரா சே யே தோ ஆப் உன்கே ஃபேன் ஹோகே உன்கி தௌஹீன் கர் ரஹே ஆப்கோ யஹான் ஆகே ஏக் சிக்னேச்சர் போஸ் தேனா படேகா. ஹா பில்குல் ஒன் சிக்னேச்சர் போஸ் ஒரு போஸ் ஏதாச்சும் இவர் பண்ணிக்காமே சிக்னேச்சர் போஸ் ஷாருக் ஆஜ் கேகேஆர் கா பி மேட்ச் ஹே ஆர் சென்னை கா பி ஹே ஷாருக் கா டீம் ஆ ரஹா ஹே ஹாஂ கேகேஆர் அமிதேஷ் பாய் கா சவால் ஹே தலா கிரிக்கெட் நோண்டா சிஎஸ்கே தானா ஃபேன் சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே வேரியன் தலா கிரிக்கெட் கே ஹிசாப் சே ஆயே தலா தோனி தோனி இஸ் தி பெஸ்ட் தோனி கி பாத் போல் கர் ஆப் யே ஜோ சிக்னேச்சர் போஸ் தேனே கே லியே பச் ரஹே நா ये गलत है. शाहरुख अगर आपको सुनेंगे तो क्या आप सिग्नेचर पोज गाड़ी पे बैठ के दे रहे हैं? நீங்க வந்து இது வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. தோனி வந்து நீங்க சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, இல்ல நான் தோனி ஃபேன். நீங்க வந்து தப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த போஸ்ட்ல இருந்து பண்றதுக்காக. ஒரு வாட்டி அந்த காமிக்கிறேன் அவன் பண்ணி காட்டுவா. एक्चुअली என் ஃப்ரெண்ட் வந்து கிரிக்கெட்ல ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும். சோ ஷாருக் who is the big fan of ஷாருக் ஆப் में से कौन? நான் ஷாருக் தலபதி விஜய். தலபதி விஜய் சோ கம் ஹியர் ஸ்டாண்ட் ஹியர் பேசுங்க ஆடியன்ஸ் எதாச்சும் பேசுங்க. ஓகே நான் ஆப் கிஸ்கே ஃபேனு? நான் யார் ஃபேனும் கிடையாது ப்ரோ. ஷாருக் ஒரு சல்மான் இல்லை ப்ரோ, எனக்கு சினிஃபீல்டில் ஃபேன்லாம் கிடையாது. பிடிக்கும் அவ்வளோதான், எல்லோரையும் எல்லாருமே பிடிக்கும், எல்லாருமே பிடிக்கும் எல்லாருமே. எனி நேம்? ஓகே 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 நோ ப்ராப்ளம். தோ வோ ஷாருக் வாலே பாய் காங்க பாய் யே பாத் பிஸினி அப் ஆப்கோ ஏக் ஷாருக் கா போஸ் தேனா படேகா சிக்னேச்சர் போஸ் ஆப் ஃபேன். இல்லை இல்லை அது எல்லாரும் ஷாருக் கான் மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ ஷாருக் கானோட போஸ்டை வந்து நான் பண்ணுங்க வேணா வேணா டூ இட் இன் யுவர் ஸ்டைல், நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் பண்ணுங்கள் சார். இப்போ நான் வந்து எந்த ஒரு இதுவும் பண்ணுறது இல்லை. அவங்க போய் பார்த்தா அதோ பாய் கே போல ஏ போல் ரேன் கி மே உன்கா ஸ்டைல் காப்பி நீ கர் சக்தா தோ மேனே இன்கோ போலா ஆப் அப்னே ஸ்டைல் மே கரியே ஹோ சக்தா ஹே ஆப் ஏக் நயா ஸ்டைல் இன்வென்ட் கர்லே நீங்கள் ஒரு புதுசாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். உங்கள் ஸ்டைல் ஏதோ புதுசாக வந்திருக்கோம் காலேஜில் நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகலாம். ஷாருக் டயலாக்ஸ் எதனா ஞாபகம் இருக்கடா? ஆக்சுவலி அதுதான்
டைலாக்ஸ் இது ஞாபகம் இல்லை, பட் ஆனால் அவங்களோட போஸு அண்ட் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் தான் ஞாபகம் இருக்குது. करेक्ट क्या कह रहे हैं? इनको डायलॉग तो नहीं मालूम है क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर वो डब में देखी है. पोज इनको आता है लेकिन ये कैमरे के सामने थोड़ा शर्मा रहे हैं. सॉन्ग रीसेंट टाइम में सो आई नो लूट फूट गया, लूट फूट गया. अच्छा एक छोटा सा पोज शाहरुख का, अयो पोज लगाना जी चल गया, साथ में कर दे पोज लगाना, पोज ये मना कर रहे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नंद्री. एक सेकेंड एक सेकेंड नंद्री भाई, नंद्री ऑल ऑफ यू. नंद्री का मतलब होता है थैंक यू तमिल में.